अपनी आकपत की फिक्र होनी चाहिए तो हंड्रेड परसेंट नमाज़ पढ़ने वाले होने चाहिए क्या अनसार क्या कहते हैं अनसार की उम्र बढ़ रही है तो उनको तो और ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए किसी शायर ने कहा था वक्त का पर्ची उड़ता जाए उम्र का साया घटता जाए हैं इसलिए अगर इसको सोचें ना तो फिक्र होनी चाहिए इसलिए अपने अनसार को कहें कि कम अज़ कम नमाज पाँच वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ें और जिनको मौका मिलता है वो बाजमात नमाज अदा करने की को कोशिश करें अगर उनके नमाज़ सेंटर या मस्जिद दूर है तो फिर अपने घरों में इतमाम करें नमाज बाजमात नमाज का कम अज़ कम उनके बच्चे बीवी बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे तो नई नस्ल को भी आगे, आगे आदत पड़ेगी नमाज की अहमियत की और पाँच वक्त नमाजें पढ़ने की और बाजमात नमाज पढ़ने की ठीक है जी इस बारे में ख़ास प्रोग्राम बनाएँ इसी तरह कुरान करीम पढ़ने की आदत डालें तलावत की और इनको अनुसार की यह भी ड्यूटी लगाएँ कि वो अपने घरों में भी जायज़ा लें कि उनके उनके बच्चे भी नमाज़ों और कुरान की तरफ तोजह दे रहे हैं कि नहीं ये भी अनसार की जिम्मेदारी है ठीक है जी। इसी तरह कोई ना कोई मुसैम को का इकतबास दर्श वगैरह का इंतजाम अगर घरों में हो जाए तो तरबियत के पहलू हो जाएगा जिस तरह जिस तरह हम दूर जा रहे हैं ज़माना दूर जा रहा है अनसार की जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि नई नस्लों को संभाल सकें अगर अनसार वाला ने अपना संभाला नई नस्लों को तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आएगी कुछ सालों के बाद इन मुल्कों में रह के तो फिर बिल्कुल ही दुनियादार हो जाएंगे सारे ठीक है चलें चलें बैठे नेक्स्ट कौन है